the Dawn Express, Aina Sashka. निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर के आज निर्भया के माने निचली अदालत के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन आज एक बार फिर उसे न्याय नहीं मिल पाया। निर्भया के मां द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्भया गुनाहगारों को नया डेथ वारंट जारी करने की मांग को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दोषी पवन गुप्ता ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है। इस पर अदालत ने उसे कानूनी मदद देने की पेशकश की। दोषी को सहायता देने के बात पर निर्भया के मां ने कोर्ट में कहा, मामले को 7 साल हो चुके हैं, मैं भी इंसान हूं, मेरे अधिकारों का क्या होगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, कृपया डेथ वारंट जारी कीजिए। इसके बाद निर्भया की मां कोर्ट में रो पड़ी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई स्थगित होने की बात सुनकर निर्भया की मां एक बार फिर रो पड़ी और कोर्ट रूम से बाहर जाते हुए बोली, अब मेरा भरोसा और उम्मीद टूट रहा है। अदालत को दोषियों की तरफ से देर करने की रणनीति समझनी चाहिए। अगर अब दोषी पवन को नया वकील दिया जाएगा तो केस की फाइलें देखने और समझने में उसे समय लगेगा। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए भटक रही हूँ। दोषी सजा में देरी की तरकीबें अपना रहे हैं। मैं नहीं जानती कि अदालत यह बात क्यों नहीं समझ रही। अदालत ने कहा कि कोई भी दोषी अपनी आखिरी सांस तक कानूनी मदद पाने का हकदार है। कोर्ट ने तिहाड़ के जेल अधीक्षक को वकीलों की सूची दोषी पवन को सौंपने का निर्देश दिया। वहीं पवन को अपने पसंद की वकील चुनने की इजाज़त भी दी। इसके बाद दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकरण ने पवन के पिता को वकीलों की सूची सौंप कर अपने वकील का चुनाव करने को कहा। निर्भया के माता पिता एवं दिल्ली सरकार ने एक नया अपील निचली अदालत में दाखिल करके नया डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। दोषी विनय शर्मा, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता एवं अक्षय ठाकुर को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन उसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। उधर दोषी विनय कुमार शर्मा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है। वकील एपी सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विनय ने कहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और कानूनन मानसिक रोगी को फांसी नहीं दी जा सकती। याचिका में विनय शर्मा ने कहा कि तिहाड़ जेल में लगातार टॉर्चर किए जाने से उसे इमेंस साइकोलॉजिकल ट्रोमा नाम की बीमारी हो गई है। उसने जेल में इलाज के दस्तावेज देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की। राष्ट्रपति ने 1 फरवरी को विनय की दया याचिका को खारिज कर दी थी। इससे पहले निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अदालत ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली जस्टिस अशोक भूषण एवं एएस बोपन्ना की बेंच ने 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस सुनवाई का ट्रायल कोर्ट द्वारा नया डेथ वारंट जारी करने के मामले पर असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, दोषियों को अलग अलग फांसी देने की केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती। दोषी को 7 दिन में अपने सभी कानूनी विकल्प पूरे करने होंगे। निर्भया को इंसाफ दिलाने की एक मां की लड़ाई 7 साल से जारी है और 7 साल से ये आंसू एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उसके बेटे को इंसाफ
कब मिलेगा। देखते हैं यह लड़ाई और कितनी आगे चलती है। नमस्कार।